जसवंत के दर्शकों का आज के इस विशेष कार्यक्रम विचार संचार में हार्दिक अभिनंदन है। हम आपका स्वागत करते हैं। अपनी धरती, अपना वतन, अपने लोग, अपनी परंपरा, इस पर हम आपसे विचार विमर्श करते हैं। कुछ आपकी सुनते हैं, कुछ अपनी कहते हैं। मकसद सिर्फ यही है कि जो हमारी महान धरोहर है, जो हमारी महान परंपरा है, जो हमारी विरासत है, उसके साथ हम जुड़ सकें। हमारी धरोहर इतनी विशाल है, उसमें इतना कुछ है, पर लगता है हमने अपनी अज्ञानता से या कभी इसके लिए प्रयास भी नहीं किया और हम उससे बहुत दूर चले गए। इसलिए ये इस कमी को महसूस करते हुए ये प्रयास है, ये गंभीर प्रयत्न है कि हम अपने विरसे, अपनी विरासत, अपनी धरोहर, अपने इतिहास, उनके साथ हम जुड़ सकें। इस कार्यक्रम के माध्यम से, जिसका नाम विचार संचार है, हम हर बार किसी एक नए विषय को लेकर उसके बारे में आपको जानकारी देंगे और इसके साथ में हम आपसे ये भी अपेक्षा करेंगे, हम ये भी चाहेंगे कि आप टेलीफोन के ज़रिए जो हम आपको वक्त पर स्क्रीन पर दिखाएंगे, उसके माध्यम से आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, ताकि ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम सही मायने में आपका अपना कार्यक्रम होकर ये आप तक पहुंचे। आज जिस चीज़ की हम आपसे जान पहचान करा रहे हैं, बल्कि जान पहचान भी एक बहुत छोटा सा शब्द हो जाएगा, क्योंकि वो एक ऐसी महान परंपरा है, एक ऐसा महान स्थान है, एक ऐसा पवित्र स्थान है जो किसी भी जान पहचान का मुताज नहीं है। सारे विश्व में प्रसिद्ध, सारी दुनिया, सारे जगत में जिसको जाना जाता है, वो है सचखंड श्री हरिमंदर साहिब, श्री दरबार साहिब अमृतसर, जिसको श्रद्धा से लोग गोल्डन टेंपल भी कहते हैं, स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं, पर अध्यात्मता से जुड़े हुए लोगों के लिए, जो धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए लोगों के लिए, वो ना तो स्वर्ण मंदिर है, ना वो गोल्डन टेंपल है, वो तो मात्र सचखंड श्री हरिमंदर साहिब ही है। इसीलिए वहाँ की प्रबंधक कमेटी ने भी ये निर्णय किया और ये आग्रह भी किया कि इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से ही याद किया जाए। इसके बारे में उसकी विशेषता क्या है, मूलतः उसके बारे में संक्षेप रूप में हम आपको जानकारी देंगे, पर इस कार्यक्रम में हमारा ये भी प्रयास होगा कि हम आपको कुछ चित्रों के जरिए, कुछ तस्वीरों के जरिए हम आपको हरिमंदर साहब का वो नज़ारा, हरिमंदर साहब की वो परंपरा, उसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में हम आपको कुछ तस्वीरों के जरिए भी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। और आधे घंटे के बाद हम आपसे अपेक्षा करेंगे, हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप हमें दिए हुए नंबरों पर कॉल कर अपने विचारों से हमें अवगत कराएं, ताकि हम इस कार्यक्रम को आपकी इच्छाओं और उसके मुताबिक हम इसको चला सकें। जब हरिमंदर साहब की बात आती है, जब स्वर्ण मंदिर की बात करते हैं, तो मुझे याद आता है प्रसिद्ध कहानीकार सुजान सिंह की वो घटना, वो बात, जो उन्होंने तकरीबन 100 साल पहले का जिक्र किया था। सुजान सिंह कहानीकार, बहुत प्रसिद्ध कहानीकार, साहित्यकार थे,
वो कहते हैं कि 1905 के करीब, तकरीबन आज से 105 साल पहले, कहते हैं कि मैं कलकत्ते में बड़ा बाजार इलाके में एक स्कूल में पढ़ता था जो हिंदी का स्कूल था। सुजान सिंह बताते हैं कि मेरे साथ कुछ बंगाली विद्यार्थी थे, कुछ और बच्चे थे जो बिहारी थे, मारवाड़ी थे और स्थानीय थे। वो कहने लगे कि मैं सिख एक ही बच्चा था जो उस तीसरी या चौथी क्लास में पढ़ता था, सिर पर मैंने जूड़ा किया होता था और एक रुमाल बांधा होता था। जब हमारा मास्टर हमें, शिक्षक हमें पढ़ा रहा था, तो हमारी कायदे में, हमारी किताब में एक लेख था जिसका नाम था स्वर्ण मंदिर। और वो बताते हैं कि हमारी उस पुस्तक में स्वर्ण मंदिर की, हरमिंदर साहब की एक रंगीन तस्वीर भी दी हुई थी, रंगीन चित्र भी था और काफी आकर्षक था। सुजान सिंह बताते हैं कि मास्टर साहब जब वो पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये स्वर्ण मंदिर है, ये अमृतसर में है, ये सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है और ये सोने का बना हुआ है। सुजान सिंह कहने लगे, जब आधी छुट्टी हुई, जब सभी बच्चे इकट्ठे हुए, तो वो सभी मुझे घेर कर बैठ गए। मैं बीच में आकर्षण का केंद्र बन गया। वो सभी मुझसे मुखातिब होने लगे और एक उनमें से कहने लगा, क्यों बे सरदार, तुम्हारा मंदिर वाकई ही सोने का बना है? सुजान सिंह कहते हैं, मैं कभी हरमंदिर साहब नहीं गया था, पर जब उन्होंने पूछा, क्यों बे सरदार, तुम्हारा मंदिर वाकई ही क्या सोने का बना है, तो वो कहने लगे, मेरे मुंह से निकला तो और क्या। तब मुझे लगा मेरा सीना चौड़ा हो गया और मुझे ऐसा महसूस हुआ शायद मैं पूरी कौम का, पूरी सिख कौम की प्रतिनिधित्व करता हुआ मैं उनका एक एम्बेसडर के रूप में यहां पर हूं। सुजान सिंह कहते हैं कि जब मैं कुछ बड़ा हुआ और जब मैं हरमंदिर साहब आया तो मुझे पता लगा कि ये पूरा सोने का तो नहीं बना, हाँ इसके ऊपर जो परत है वो सोने की परत है, तांबे की परत चढ़ाकर उसके ऊपर सोने की कई परतें चढ़ाई हुई हैं। पर वो कहते हैं, इससे मुझे बाहरी रूप से कोई श्रद्धा कम नहीं हुई, बल्कि उसकी अहमियत आध्यात्मिकता के रूप में क्या थी, उस स्थान का क्या महत्व था, ये जानने का मुझे मौका मिला और उससे मेरे विश्वास, श्रद्धा और हरमिंदर साहब के प्रति मेरे सम्मान और सत्कार में बढ़ोतरी ही हुई। तो हम जैसे बात कर रहे थे, हरमिंदर साहब की कुछ तस्वीरें, जैसे आप पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, हम द फर्स्ट पिक्चर विच वी वुड लाइक टू शो ऑफ हरमिंदर साहब, इफ यू कैन शो द फर्स्ट पिक्चर वी विल ट्राई एंड वी हैव दिस इज द फर्स्ट पिक्चर ऑफ सचखंड श्री हरमिंदर साहब। हरमिंदर साहब की ये तस्वीर जो है, ये इसमें आप देख रहे हैं कि सरोवर के बीच में हरमिंदर साहब की वो इमारत है जो बुलंद है। अगली तस्वीर में भी आप एक और हरमिंदर साहब का वो दृश्य देखेंगे और जो बीचों बीच आयताकार आयात रूप में एक सरोवर है, इन द नेक्स्ट पिक्चर यू विल सी, जो हरमिंदर साहब की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें सरोवर के बीचों बीच हरमिंदर साहब स्थित है। इन द नेक्स्ट पिक्चर ऑल्सो ये आपको एक दूसरे एंगल से श्री हरमिंदर साहब की वो तस्वीर है, ये हरमिंदर साहब का वो दृश्य है जहां पर चारों ओर से पानी में, बीच पानी के सतह पर ये कमल फूल की तरह खिला हुआ ये हरमिंदर साहब की इमारत है, जो सरोवर है आपने जो उसके बीच में जो सरोवर है और बीचों बीच में हरमिंदर साहब की
ये इमारत है। अगर इसके इतिहास के बारे में हम आपसे बात करें, हरमंदिर साहब की अहमियत के बारे में बात करें, तो ये स्थान शायद एक ही स्थान है, ऐसा धार्मिक स्थल है जिसे गुरु साहब ने या उस धर्म के जो अवतार पैगंबर या गुरु जी ने कहा जाए, जो उनके संस्थापक हैं, उन्होंने खुद इस स्थान की स्थापना की है। बहुत ही पवित्र स्थल है, धार्मिक स्थान हर धर्म के हैं, पर हरमंदिर साहब की नींव, हरमंदिर साहब की नगर की स्थापना गुरु रामदास जी ने खुद अपने कर कमलों से की। हरमंदिर साहब की स्थापना गुरु अर्जन देव जी ने खुद इसकी नींव रखी। और ये कितनी विशालता है, आने वाले समय में सारी मानव जाति के लिए एक पैगाम देने के लिए और भ्रातृभाव का एक कितना बड़ा संदेश देने के लिए हरमंदिर साहब की नींव रखने के लिए गुरु साहब ने साई मियां मीर जी, एक मुसलमान फकीर थे, उन्हें उस आमंत्रित किया और हरमंदिर साहब की नींव एक मुसलमान सूफी फकीर साई मियां मीर जी से रखवाई गई। ऐसी शायद मिसाल ये अहले मजाहब की जो दोस्ती मुस्कराई जिसके बारे में कहा गया। अगर हम इसके इतिहास पर नजर डालें तो हरमंदिर साहब की जो जगह है, जिस जगह पर इसे स्थापित किया गया, हरमंदिर साहब की नींव रखी गई, इतिहास बताता है कि सबसे पहले इस जगह पर गुरु नानक देव जी आए। जन्म साखी में वर्णन है, गुरु नानक देव जी जब इस स्थान पर पहुंचे तो उनके साथ में भाई मर्दाना भी थे। अगर आपने पंजाब का नक्शा देखा हो कभी, तो पूरा पंजाब का नक्शा एक मैदान है, पंजाब पूरे का पूरा एक मैदानी इलाका है। और उस मैदानी इलाके में, पंजाब में, ये जो स्थल है रावी और ब्यास, ये दोनों बहुत ऐतिहासिक नदियां हैं जो पंजाब की इस धरती में बहती थी। रावी पांच नदियों के इस प्रदेश में, रावी और ब्यास के मध्य में ये जो जगह थी, जो कि मैदानी इलाका, ये घना घोर जंगल था। घने जंगल के बीचों बीच एक आप कह सकते हैं कि नीची जगह थी और एक घाटी की न्याई ये एक जगह थी। उस घाटी में, छोटी सी घाटी में, जंगल में, उस घाटी में एक सरोवर था, पुराना सरोवर था, और उस सरोवर के बीचों बीच में एक टीला था, एक सपाट आइलैंड या द्वीप की तरह था। और वो जगह पर गुरु नानक देव जी जब गए तो गांव वालों ने बताया, वहां पर बताया गया कि पुराने ये किंवदंती है कि यहां पर महात्मा बुद्ध भी आए थे और उन्होंने कहा था कि स्मरण के लिए, भक्ति के लिए, परमात्मा को याद करने के लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। गुरु नानक देव जी जब वहां उस स्थान पर उन्होंने अपना आसन लगाया तो गांव के लोग कड़ा प्रसाद लेकर वहां पर पहुंचे। जन्म साखी में लिखा है, भाई मर्दाना जी ने कहा, जो उनके साथी थे गुरु नानक देव जी के, वो कहने लगे, बाबा ये तो प्रसाद अमृत की तरह है। गुरु नानक देव जी ने कहा, यहां पर हमेशा ही अमृत ही बरसेगा, यहां हमेशा अमृत की प्राप्ति होगी। गुरु अंगद देव जी ने इस जगह को थोड़ा संभाला, गुरु अमरदास जी ने उस सरोवर की सफाई करवाई, गुरु रामदास जी ने उस सरोवर को पक्का किया और वहाँ पर उस सरोवर को सही मायने में ठीक किया। गुरु अर्जन देव जी ने साईं मियां मीर के से आज के पवित्र दिन, एक माघ जिसको कह लें कि एक माघ वाले दिन, उन्होंने 1588 वाले दिन उन्होंने इस स्थान पर साईं मियां मीर जी से विनती की और आने वाले समय में पूरी मानवता के लिए
एक ऐसे तीर्थ स्थल की स्थापना की जहां पर किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी कम्युनिटी से कहीं से भी वो इस स्थान पर आएगा। पर केवल इसका मकसद यहां तक नहीं था। इसमें स्थापना किसकी की गई, ये किसका मंदिर है, ये किसका स्थान है, ये बहुत अहम था। ये हरि मंदिर है, परमात्मा का मंदिर है, परमात्मा के भजन के लिए, परमात्मा की आराधना के लिए, परमात्मा की स्तुति के लिए इस स्थान को गुरु साहब ने नियत किया। पर इस स्थान में उन्होंने किस चीज की स्थापना की? किसी देवी की, किसी देवता की स्थापना नहीं की, किसी भी मूर्ति की स्थापना नहीं की। वहां पर उन्होंने जो चीज स्थापित की है वो भी एक कमाल की बात है। जो गुरु ग्रंथ साहिब, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब, वो महान ग्रंथ, वो इंसानियत की धरोहर और विरासत है। वो महान ग्रंथ जिसमें न केवल गुरु साहिबान की अपनी बाणी बल्कि जितने भी उस समय के गुरु साहब ने संकलित करके भक्तों की बाणी थी, जो उस समय भक्त थे, जो उसमें सूफी फकीर भी थे, जो उसमें भट्ट थे, उन सभी की बाणी गुरु साहब ने उसको उसकी संपादना की और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। गुरु साहब ने, गुरु अर्जन देव जी ने 1430 पन्ने के गुरु ग्रंथ साहिब की संपादना जब की, उसको मुकम्मल किया, भाई गुरदास जी के कर कमलों से उसको लिखवाया और उसे लिखवाने के बाद, गुरु ग्रंथ साहिब की जिल्द बंधवाने के बाद, वो गुरु ग्रंथ साहिब जो संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब रागों में था, रागों में निर्धारित था, उसको उसमें भक्त कबीर जी, भगत रविदास जी, तन्ना जी और भी जितने, बाबा फरीद जी, सदना जी, इन सब की बाणी भी उसमें संकलित की। गुरु साहब ने गुरु साहब की बाणी के साथ मिलाकर एक उसका जो स्वरूप हो गया, वो पूरा ग्रंथ ही गुरु ग्रंथ साहब के रूप में उन्होंने इसको करके उसको नमस्कार कर दिया और ये कहा, पोथी परमेश्वर का थान। श्री हरमंदर साहब के बीचों बीच, सचखंड श्री हरमंदर साहब के बीचों बीच गुरु साहब ने जो मंजी थी, मंजी चारपाई को कहा जाता है, आप देखेंगे कि कई बार अलग अलग किस्म से जो लोग हैं, कोई आसन पर बैठता है, कोई सिंहासन पर बैठता है, कोई गदेले पर बैठता है, कोई शेर की खाल पर बैठता है, कोई मृग छाला पर बैठता है, पर गुरु साहब ने गुरु ग्रंथ साहिब के आसन का स्थान मंजी साहब को नियत किया। गुरु साहब ने वो जो मंजी साहब बनाया उसके ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब को स्थापित कर दिया और आप नीचे बैठ गए। ये करामात थी। सो इसे हम कह लें, इसे हम कह सकते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब की एक जिल्द है जो कि हरमंदर साहब के रूप में गुरु जी ने ये स्थापित की। हरमंदर साहब की स्थापना गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना के लिए, गुरु ग्रंथ साहिब के प्रचार के लिए, गुरु ग्रंथ साहिब एक माध्यम था जिसका संदेश अगर एक लफज में हो, जो गुरु ग्रंथ साहिब खुद दे रहे हैं, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। या दूसरा जो संदेश है, कहो नानक गुर खोए भरम, एको अलो पार ब्रह्म। पूरे के पूरे गुरु ग्रंथ साहिब का हम अध्ययन कर लें, उसमें गुरु नानक देव जी के पिताजी का नाम नहीं पता लगेगा, उनके जन्म स्थान का पता नहीं लगेगा। ये हरमंदर साहब की स्थापना एक ऐतिहासिक कदम था। गुरु ग्रंथ साहिब वो धरोहर, वो सारी मानवता की धरोहर जिसमें केवल और केवल और केवल एक परमात्मा के नाम की आराधना का संदेश था, उसके लिए इस स्थान की स्थापना की गई। इसीलिए इसका नाम उन्होंने श्री हरमंदर साहब, इसका नाम, स्थल का नाम रखा। नेक्स्ट पिक्चर जो आप देख रहे हैं, हम आपको
थोड़ी तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे. इन द नेक्स्ट पिक्चर विच वी सी इज अगेन हरमंदिर साहब के एक दूसरे रूप को आप इसमें देख रहे हैं, और इससे नेक्स्ट फोटो में आप ये दर्शनी ड्योढ़ी है. अगली तस्वीर दर्शनी ड्योढ़ी का वो स्थान है जहाँ से हम हरमंदिर साहब के अंदर जाते हैं. हरमंदिर साहब में जाने के लिए इस दर्शनी ड्योढ़ी की ये खूबी है कि इसमें कुंडा या इसमें लॉक अंदर से है, बाहर से नहीं है. इसका मतलब है ये इस घर का मालिक इसके अंदर है, इसके बाहर की तरफ कोई सीकड़ नहीं है, कोई इसमें किसी किस्म का कोई ताला नहीं है. इन द नेक्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं जो श्री हरमंदिर साहब के ऊपर का ये दृश्य है, और इसमें आप देखेंगे ये नेक्स्ट फोर पिक्चर्स में जो आप नेक्स्ट फोर पिक्चर्स जो हैं वो हरमंदिर साहब के ऊपर का नज़ारा है. श्री हरमंदिर साहब की गुंबद, हरमंदिर साहब का गुंबद आप अगर उसको देखें, उसकी अपनी विशेषता है, उसके नक्शे की अपनी विशेषता है. वो गुंबद बैठा हुआ है और उसके ऊपर कमल फूल औंधे रूप में उसके ऊपर पड़ा है. ऐतिहासिक रूप में, मिथिहास में किंवदंती है कि लक्ष्मी कमल फूल में निवास करती है, पर हरमंदिर साहब के ऊपर कमल फूल जो है औंधा है. यहाँ पर माया का, यहाँ पर पैसे का, यहाँ पर ऐसी कोई बात यहाँ नहीं है. इसके बाद हम आपको हरमंदिर साहब के उस नक्शे की विशेषता दिखाएंगे, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद. जसवंत के दर्शकों का आज के इस कार्यक्रम विचार संचार में फिर स्वागत है. हम बात कर रहे थे मानवता की धरोहर, इंसानियत की महान विरासत गुरु ग्रंथ साहिब और उसकी जिल्द, उसकी सुनहरी जिल्द सचखंड श्री हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर की. इस इमारत हरमंदिर साहब की, इस इमारत की स्थापना गुरु अर्जन देव जी ने की, और इसके नक्शे में कुछ उन्होंने कई किस्म की विशेषताएं जो है उसमें प्रवेश किया. सबसे पहली चीज़ जो है वो ये थी कि हरमंदिर साहब के चार दरवाजे थे, जो कि किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, किसी भी इलाके से हो, उसके लिए कोई बंदिश नहीं है. वो इस स्थान पर आकर वो अपनी आराधना, अपनी पूजा कर सकता है. गुरु ग्रंथ साहिब में, हरमंदिर साहिब में सिवाय गुरु ग्रंथ साहिब के और कोई भी चीज़ स्थापित नहीं है. आप जैसे तस्वीर, अगली तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये अगली तस्वीर एक हर की पौड़ी है. गुरु साहब ने वो जो पुरातन भारतीय संस्कृति थी, जो उसमें शब्द थे, उनका आयाम बदल दिया, उनके डायमेंशंस चेंज कर दी. वही लफ्ज जो पहले थे, अब ये हर की पौड़ी ये हो गई, क्योंकि इस हर की पौड़ी के ऊपर किसी विशेष जाति का, विशेष किसी विशेष धर्म का अधिकार ना रह गया. जो भी उस परमात्मा को मानने वाला है, कोई भी है, वो इस पर आकर के समान रूप से यहां से वो अमृत ग्रहण कर सकता है. हर की पौड़ी या हरिमंदिर साहब के इस सरोवर की एक और विशेषता ये हो गई कि इसमें कोई विशेष घाट नहीं है कि ये फलाने कम्युनिटी के लिए है, ये फलाने विशेष वर्ग के लिए है. अगली तस्वीर में आप देखेंगे ये श्री हरमंदिर साहब के अंदर का नज़ारा है. हरमंदिर साहब दरबार है, ये गुरु का दरबार है. इसमें नीचे के स्थान पर जहाँ पर आम लोग बैठते हैं,
कोई ऊंचा स्थान गुरु साहब के लिए अपने लिए नहीं नियत किया, जहां पर संगत बैठती है सामने गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है और बाईं तरफ आपने देखा कि वो रागी कीर्तन करते हैं। कीर्तन भी केवल और केवल गुरबाणी का कीर्तन हो सकता है जो रागों में प्रतिबंधित है। कीर्तन में जो बाणी का कीर्तन होता है, गुरु ग्रंथ साहिब से बाणी, गुरु गोविंद सिंह जी की बाणी, भाई नंदलाल जी की गज़लें और वारा भाई गुरदास जी की वार और उनके जो कबित हैं, ये उनका कीर्तन हो सकता है। मगर यहाँ पर कोई भाषण, कोई व्याख्यान, कोई कथा हरिमंदर साहब के अंदर नहीं हो सकती। और एक और विशेषता है इस स्थान की, आपने देखा होगा जैसे दुनियावी बादशाह होते हैं, वो दरबार लग जाता है, दरबार सज जाता है, उस भरे हुए दरबार में लोग जब एकत्र हुए होते हैं, तब बादशाह या वो जज उस दरबार में आता है। बिल्कुल इसी तरीके से सचखंड श्री हरिमंदर साहिब में संगत सुबह एकत्र हो जाती है, कीर्तन आरंभ हो जाता है, मगर गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश नहीं होता। ये एक अजब नज़ारा होता है जब सामने कुछ भी नहीं है, संगत एकत्र है, संगत जुड़ी हुई है, लोग श्रद्धालु मौजूद हैं, पर कीर्तन भी हो रहा है और भरे हुए दरबार में गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी बाद में कोठा साहब से श्री अकाल तख्त साहब से पालकी में आती है, जो कि दरवाजे के ऊपर रुककर और उसका प्रकाश जो है हरिमंदर साहब में वो ये किया जाता है। जैसे आप पिक्चर नंबर 21 में आप देखें, आप पिक्चर नंबर 21 में किस तरीके से तस्वीर नंबर 21 में आप देखेंगे कि गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी जो है वो हरिमंदर साहब में लाई जाती है और उसका प्रकाश जो है किया जाता है। हरिमंदर साहब की गाथा बेअंत है। केवल इतना ही नहीं, हम ये कह सकते हैं हरिमंदर साहब एक ऐसी जगह है जिसकी पवित्रता बहाल करने के लिए इतना कुछ हुआ, इतना कुछ किया गया। शायद ये भी एक विचित्रता है, जिसलिए प्रोफेसर पूरन सिंह ने एक बात कही कि जब भी तुम्हारे मन में स्वर्ण मंदिर के लिए, हरिमंदर साहब जाने के लिए तुम्हारे मन में विचार उठे, तो तुम बिल्कुल देरी, किंचित देरी मत करो, तुम भागो, हरिमंदर साहब के दर्शन के लिए तुम पहुंचो और तुरंत जाओ। पर वहां पर पहुंचते ही, उसकी परिक्रमा के अंदर पैर रखते ही तुम रुक जाओ, तुम्हारा एक एक कदम, एक एक पैर तुम्हारा बड़ी श्रद्धा से, बड़े सहज से और बड़े आराम से रखो, क्योंकि याद रखो, एक एक सिल के नीचे हजारों सिखों के सिर दबे हुए हैं, जिन्होंने हरिमंदर साहब की, उसकी पवित्रता बहाल करने के लिए जो महान शहादतें दी, वो हम किसी अलग प्रोग्राम में, हम आपसे विस्तार में इस स्थान के साथ क्या इतिहास जुड़ा है, इसके सामने जो श्री अकाल तख्त साहिब है, जो दरबार हरिमंदर साहब है और तख्त जो है वो एक अदालत है, उनका आपस में क्या सुमेल है, ये धर्म और राजनीति का क्या सुमेल है, हम अगली तस्वीर में देख रहे हैं। हरिमंदर साहब में जो आकृतियाँ अंकित हैं, वो सारी की सारी जो हैं उसमें सजीव बेल बूटे हैं। नेक्स्ट तस्वीर 22 आप देख रहे हैं, वो सभी बेल बूटे आकृतियाँ हैं, सजीव हैं, निर्जीव नहीं है। ये सजीवता का चिन्ह है, ये हरिमंदर है, यहाँ पर हरि की बात है, ये 24 घंटे यहाँ पर निरंतर कीर्तन का प्रवाह होता है और जो चलता रहता है। और नेक्स्ट तस्वीर आप देख रहे हैं, अगली तस्वीर में ये एक विचित्रता, एक अजीब घटना घटी। सरकार ने एक बार प्रयास किया 1880 के करीब हरिमंदर साहब के ऊपर कब्जा कर लेने की, पर वहाँ पर एक अजीब करिश्मा हुआ जो हरिमंदर साहब की दर्शनी ड्योढ़ी के ऊपर अब भी अंकित है, कि वहाँ पर अंदर दरबार में एक बिजली का गोला आया और फटा, धमाकेदार आवाज़ हुई, पर किसी का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। आखिर में भरे हुए मन से हम उस चीज़ को याद करेंगे। अगली तस्वीर में आप देखेंगे
जो अब भी याद कराती है ये खून के निशान हरमंदिर साहब की पवित्रता को बहाल करते हुए 1984 में जो साका नीला तारा या ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान ये जो निशान है। आखिर में हम अंतिम अगली तस्वीर में सचखंड श्री हरमंदिर साहब को नतमस्तक होते हुए हम उस पवित्र स्थान की हम याद करते हुए जिसकी हम रोज़ अरदास में याद करते हैं श्री अमृतसर जी के दर्शन स्नान जहाँ जहाँ भी है वो ये बात ज़रूर दोहराता है कि हम हरमंदिर साहब के दर्शन और स्नान की बात जो है वो ज़रूर अपने जहन में रखता है। अब हम प्रयास करेंगे आपकी कुछ कॉल्स लेने का ताकि हरमंदिर साहब के बारे में और भी अगर कोई जानकारी या और भी आप कोई इसके बारे में कोई विचार आप देने चाहें आप हमें स्टूडियो के नंबर जो 718-786 कॉल ये जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं उन नंबरों पर आप हमें ज़रूर फ़ोन कर अपने विचार हमें दे सकते हैं। हम प्रयास करेंगे अगर आपकी कॉल्स हम ले सकें तो जैसे हम हरमंदिर साहब के बारे में बात बता रहे थे क्योंकि हमें कुछ तकनीकी कारणों से हमें कुछ शायद कॉल्स लेने में कठिनाई आ रही है। हेलो 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 हाँ जी हेलो हाँ जी कौन बोल रहे जी श्रीकाल जी कथा बोल रहे हैं हाँ जसवंत तो प्रोग्राम चल रहे है विचार संचार अच्छा जी कितों बोल रहे हो तुसी बयान तो बोल रहे हैं हाँ जी दसो कुछ कहना चाहते हो आप कुछ कहना चाहते हैं जस हम कहना चाहते हैं जी बताइए आप कौन बोल रहे हैं मैं प्रभु बोल रहा हूँ हाँ जी प्रभु जी प्रभु के दर्शन हो गए जी बताइए जय श्री कृष्णा जी 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 बताइए हाँ जी मुझे पंजाब के बारे में जो बता रहे हैं जो पानी की समस्या वो कैसे हल होगी पानी की समस्या अभी तो हम आपको श्री हरमंदिर साहब के दर्शन दीदार करवा रहे हैं तो जब उसके बारे में बात करेंगे हम आपको उसके बारे में विशेष तौर से आपको उसके बारे में कार्यक्रम देंगे धन्यवाद। हेलो हेलो हाँ जी हाँ जी मुझे श्री हरमंदिर साहब के बारे में बात करना है लाइव शो में जी मैं बात कर रहा हूँ गुरचरणजीत सिंह लांबा आप कौन बोल रहे हैं मैं माइक पटेल बोल रहा हूँ सर पटेल साहब आपका स्वागत है बहुत खुशी हुई आपने कॉल किया जी बताइए हाँ जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये हरमंदिर साहब का जो कुछ स्पेशल महत्व क्या है उसका स्पेशलिटी क्या है जी जी मैंने वही बताने का प्रयास किया है कि श्री हरमंदिर साहब जो है ये एक ऐसा धार्मिक स्थल है पहली बात तो इसको गुरु साहब ने खुद इस स्थान की जगह का चुनाव किया इस स्थान का दूसरा ये है ये स्थान कोई कंदराओं में या गुफाओं में या आम शहरों से दूर पहाड़ों पर नहीं था उसकी चोटियों पर नहीं था या जंगलों में नहीं था ये राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको हम शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं उसके ऊपर था ताकि हर यहाँ से जो हमलावर भी आता था साधु भी आते हैं संत भी आते हैं व्यापारी भी आते हैं ताकि ये धर्म जो है ये जो पैगाम देगा वो हमें संसार के बीच में रहना है। तीसरा इसमें ये है सबसे बड़ी चीज़ ये है ये धार्मिक स्थल किसी विशेष देवी देवता को समर्पित नहीं है किसी विशेष व्यक्ति को नहीं है यहाँ पर केवल गुरु ग्रंथ साहिब की महत्ता है गुरु ग्रंथ साहिब का ये स्थान है जो गुरु ग्रंथ साहिब में केवल परमात्मा की आराधना की बात की गई है जी ये संक्षेप में ये कहा जा सकता है धन्यवाद। हेलो हाँ जी कौन बोल रहे मैं राज बोल रहा हूँ हाँ जी राज जी दसो हुक्म करो जी आया नू वेलकम मैं सिर्फ एक और चीज जड़ी कहना भूल गए हो जी दुख पंजनी बेरी दा जिक्र जरूर हो जे हरमंदिर साहब दी गल हो रही है हाँ जी हाँ जी ते ओदे वास्ते थोड़े जड़े एहो जे व्यूअर हैगे जिन्हां नू आ साडे धर्म बारे नहीं पता उहनां नू वी जानकारी कराओ जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं हम उसको भूले नहीं है
हमारी मजबूरी सिर्फ समय की है, ना केवल दुखभंजनी बेरी बल्कि और भी इसके साथ में जो स्थल हैं। ये वाकई ही एक अमृत सरोवर है, बीबी रजनी का जो उसके साथ में जुड़ा हुआ है, और इस स्थान से हर इंसान को वो चीज़ें प्राप्त हुई जो उसका शारीरिक और दूसरे भी जो हैं उसकी सभी आदि व्याधि उपाधि से उसके दुख दूर हुए। इसको हम याद करते हैं, और ना केवल यही बल्कि श्री अकाल तख्त साहिब और दूसरी भी जो वहाँ की अहम घटनाएं इसके साथ जुड़ी हैं, हम उन सभी पर आपसे विचार करेंगे। पर आज इसके लिए संक्षेप रूप में इसकी इंट्रोडक्शन कह लीजिए, बाकी इस हरमंदिर साहब के बारे में तो बहुत कुछ कहने को है और हम ज़रूर इसको कहेंगे। अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। एक छोटा सा हम जैसे आपसे बात कर रहे थे, 500 फुट बाई 490 फुट आयताकार पवित्र सरोवर में, अमृत सरोवर के बीच में, जिसके नाम पर अमृतसर शहर बसाया गया है, उसकी हरमंदिर साहब का ये जो दर्शनी जो मुख्य द्वार है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं, ये इसके ऊपर जो स्वर्ण की सेवा, सोने की सेवा महाराजा रणजीत सिंह ने की थी, जब उन्होंने इसकी सेवा की तो उसके ऊपर उनकी विनम्रता का ये प्रतीक है कि उन्होंने सीधे तौर पर नहीं लिखा, बल्कि ये कहा कि श्री गुरु रामदास जी ने अपने सिख रणजीत सिंह को एक सिख जानकर उससे ये सेवा कराई। हरमंदिर साहब की बात करते हुए एक और विशेष जो बात जिक्र करना है, ये किसी दिशा की तरफ इसका मुंह नहीं है, ये ना पूर्व की तरफ है ना ये पश्चिम की तरफ है, ये जो भ्रम वहम, ये जो पाखंड एक दिशा की तरफ फलानी दिशा में रखा जाए फलानी दिशा में ना रखा जाए, उसको दूर करते हुए इसको पूर्व और पश्चिम में ना रखकर उसके बीच में है। इसलिए ये ना तो इसमें सूर्य की पहली किरण आती है और ना ही अंतली किरण उसके दर्शन होते हैं। ये परमात्मा चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर धार्यो, सारी दिशाएं सारा समय उस परमात्मा का है। भ्रम का नाश करने के लिए इसका नक्शा भी गुरु साहब ने विशेष तौर पर रखा। तो हरमंदिर साहब की इस विशेषता की बात करते हुए हम अभी ये संक्षेप में ये जानकारी दे रहे हैं, विस्तार में फिर किसी प्रोग्राम में किसी कार्यक्रम में हम आपसे संबोधित होंगे। हम आपकी कुछ कॉल्स लेंगे, 718-786 कॉल या 718-786-2255 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हैं? मैं हरविंदर सोही बोल रही हूँ, आई एम फ्रॉम यूएसए, आई एम 13 ईयर ओल्ड। यस वेलकम। Like the government wanted to enter again, so what are you going to do about it? Like, you know, the attack in 1984. Yes, that is the most unfortunate and sad part. It's a blot on the entire, not only history of India, but on the mankind. Or a lot of things have been said about that, lot of things have been written about that, and it is hoped and wished that nothing sort of this can be is repeated, because nothing can be more shameful and an onslaught against the humanity what had been done. We can pray, and the entire community with the media now in operation now, it can be hoped. But it can be said that it was not the first time that Harmandir Sahib was attacked. We will cover that aspect again in detail, even earlier also. That is what I said about the Parkarma when I showed that.
lot of times, many number of times, this was done either by Abdalis, Rangars, Duranis, and whichever government came, they tried to intervene and interfere. So we will deal with that later on. Thank you. Hello. Hanji, Sat Sri Akal ji. Sat Sri Akal ji. Main sirf ik je karanga Harmandir Sahib Amrit te bare. Ji. Main India kafi chanda rehna. Haan ji. Achha, filter wala pani bhi ghar pee da hai, lekin ekdam jaake bimar ho jeeda hai. Haan ji. Babu ji, inni kripa jaise si Harmandir Sahib de Amrit lenne hai. Ji. ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ 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 ਉਸ ਪਾਣੀ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਓ ਜੀ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਮਾਲਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ अगर मैं हिंदी च कहां गुरु अर्जन देव जी ने भक्तमाला में कहा कि इस अमृत सरोवर की महत्ता इसलिए है क्योंकि इसके बीचों बीच 24 घंटे जो केवल और केवल और केवल परमात्मा का नाम लिया जाता है सो इसकी तासीर इसका असर जो है बदल जाता है बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू हेलो हेलो हाँ जी सत श्रीकाल कौन बोल रहे जी अमृतपाल सिंह जी बोल रहे हैं हाँ जी अमृतपाल सिंह जी दसो हाँ जी यू आर ऑनलाइन अमृतपाल जी हाँ जी हाँ जी कैलिफोर्निया फ्रेमवर्क तो बोल रहा मैं हाँ जी कुछ कहना चाहते हो हाँ जी मैं पहले मतलब यही खुशी है तुसी जसपान से तो अनुभव फर्स्ट टाइम देख रहा मैं जी हाँ जी हाँ जी दसो मैं सुन रहा तुसी टीवी की आवाज बंद कर दो या थोड़ा टीवी सेट तो दूर चले जाओ फिर आवाज आ जाएगी ठीक हाँ जी मैं करती है हरमंदर साहब कोई गोला डिगया हाँ जी हाँ जी जी हाँ हेलो या इट इज देयर तुसी आप कभी हरमंदर साहब जाएं दर्शनी ड्योड़ी के ऊपर बाई तरफ एक बहुत बड़ी प्लेट लगी है जिसके ऊपर ये लिखा है कि ये चमत्कार ये घटना हुई और ये चमत्कार हुआ कि उस समय जुड़ी हुई संगत में एक गोलाकार रोशनी हरमंदर साहब के बीचों बीच आई और आकर के कुछ देर ठहर गई और उसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका हुआ आवाज़ हुई भयानक आवाज़ हुई और चकाचौंध हो गए पर देखा उसके बाद वहाँ पर कुछ भी नहीं था और किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ दरअसल वो समय था जब हरमंदर साहब को एक चर्च में तब्दील करने की बात चल रही थी कुछ पुजारियों ने जो उस समय थे हरमंदर साहब को चर्च में बेचने के लिए अपनी सहमति जाहिर की थी और सरकार की तरफ से भी जो दखलंदाजी उस समय की जा रही थी उस समय ये घटना हुई जिसको चमत्कारी घटना कह सकते हैं और जो आज भी वहाँ पर लगी हुई प्लेट में वो अंकित है बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद हेलो हेलो हाँ जी सत श्री अकाल जी मैं परमजीत बोल रही हूँ न्यू ऑरलीन लुधियाना यूएसए तो हाँ जी सत श्री अकाल जी परमजीत जी जी हाँ जी ते असी लाइव शो आ रहा सी थोड़ा कुछ जानकारी लिखना चाह रहे हैं हरमंदर साहब बारे ते साडा सवाल दा जवाब सानू मिल सके हाँ जी दसो जी जरूर हाँ जी असी मैं इन्ना पूछना चाहती हूँ कि कुछ साल पहला असी गए सी इंडिया मत्था टेक के हरमंदर साहब गए सी असी जी एवरीथिंग इज फाइन ओवर देयर ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉੱਪਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਬੜੇ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ 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 ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਫ ਵੀ ਕੈਨ ਸ਼ੋ ਪਿਕਚਰ ਨੰਬਰ 13 ਪਿਕਚਰ ਨੰਬਰ 13 ਵੀ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦੈਟ ਗ੍ਰੰਥ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਦੇਅਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਔਰ
ये जो ग्रंथ हैं गुरु ग्रंथ साहिब के बड़े स्वरूप जो कि ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, इसको बड़ा साहब कहते हैं, और ये हरमंदिर साहब की ऊपरी छत पर ये सुशोभित है और इनका अखंड पाठ होता है। इसकी कई प्रतिलिपियां हैं, इसकी कई कॉपीज थी, ये ग्रंथ कई थे जो तैयार किए गए थे, और 1984 में यहाँ पर इस जगह के ऊपर गोली लगी थी और वो गुरु ग्रंथ साहिब जख्मी भी हुए और जो सिंह थे वो शायद शहीद भी हुए, वो जो उसकी ताबिया बैठे हुए थे। ये ग्रंथ की वो भी और बाकी भी सुरक्षित हैं और उनके अपने संग्रहालय में रखी हुई हैं। धन्यवाद आपका। हेलो 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 जी, हाँ जी, सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल, कौन बोल रहे जी? हाँ जी, मैनु क्वेश्चन पूछना सी हरमंदर साहब बारे। कौन बोल रहे जी तुसी? हेलो, आप कौन बोल रहे हैं, अपना नाम दसोगे, कितों बोल रहे हो, कितों बोल रहे हो? हेलो, दसो तुसी, आप बताइए आपका क्या प्रश्न है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, मेरा नाम तरनप्रीत है। हाँ जी, दसो तरनप्रीत जी। हाँ जी, मेरा प्रश्न ये हैगा है कि जड़े हरमंदर साहब विच सरोवर हैगा है, हाँ जी, उदी मेंटेनेंस वो किस तरह करते हैं? हुने थोड़ी देर पहला किसी का फोन आया सी, उन्होंने मेंशन किया है कि उत्थे दा अमृत पी के वाकई इट्स अ वेरी होली वाटर। मैं दस देना जी उदे च, क्योंकि समा साडे कोल समाप्त हो गया, बट स्टिल जांदे जांदे मैं दस दिया कि रावी दे पानी दी हंसली एक नहर दे रूप विच एक हंसली है और उस दे राही ए हरमंदर साहब दे विच ओ रावी दा पानी आंदा है, और उस दे बाद उदे लई प्लांट भी है जिहड़ा सफाई हो के विच जांदा है, उदे अंदर भी है और बाहर दा पानी फिर वापस जिहड़ा हैगा वो वगदा रहिंदा है। एक कंटीन्यूअस चलदा पानी है, खड़ा होया पानी नहीं है। सो प्रिय दर्शकों, हमने श्री हरमंदर साहब के बारे में, जो कि मानवता का स्थान है, किसी विशेष समुदाय का, किसी विशेष इलाके का नहीं है, इस स्थान के साथ जो अगर कह लिया जाए पिछले तकरीबन 500 साल का इतिहास, हिंदुस्तान का इतिहास जुड़ा हुआ है, ये स्थान केंद्रीय स्थान रहा है सारी की सारी राजनीतिक गतिविधियां, सारी की सारी धार्मिक कार्यों की गतिविधियों के रूप में ये जुड़ा रहा है। यहाँ से हमारी सभी जंगे आज़ादी की बात हो या देश की आज़ादी की बात हो, वो भी यहीं से शुरू हुई, और इसके बारे में आप हमें जो है ज़रूर info@justone.com के ऊपर, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं, या आप हमें ख़त से आप पता करके आप हमें बता सकते हैं। हमें आपके विचारों का, हमें आपके सुझावों का इंतज़ार होगा। सो आज इतना ही, फिर एक नया प्रोग्राम लेके विचार और संचार में मैं गुरचरणजीत सिंह लांबा आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।